नमस्ते नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल। हमारी स्पेशल महा कवरेज इस महासंग्राम में आप देख रहे हैं, क्योंकि आज का दिन है बेहद ही खास, क्योंकि आज है फर्स्ट फेज इलेक्शन लोकसभा का, और आप अपने मतदान केंद्रों पर, आपके नए नजदीकी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं निकले हैं तो निकलिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देकर इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाइए। तो चलिए, कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए है जरूरी, जो आपको जानना जरूरी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक खबर आप तक पहुंचाने के साथ साथ हर एक आंकड़ा जो चुनाव से जुड़ा है, जो राज्यों से जुड़ा है, जो सीटों से जुड़ा है, मत प्रतिशत के साथ साथ इस फेज में भी, इस एपिसोड में भी, इस कार्यक्रम में भी हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कहां कहां चुनाव है, किस चीज को आपको जानना चाहिए, ये तमाम स्पेशल तैयारियों के साथ जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, और इस महा कवरेज में, महासंग्राम के, ये बताने की कोशिश होगी घर बैठे आपको कि किस राज्य में क्या स्थिति बन रही है। तो चलिए, रुक कर रहे हैं ग्राफिक्स का, हमारी स्पेशल तैयारी हमारे दर्शकों के लिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स का आंकड़ा आप जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, देश में अलग अलग राज्य में चुनाव हो रहे हैं 102 सीटों पर, ये पहला चरण जिसमें 102 सीट, ये बड़ा आंकड़ा 102 सीट का, जहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जहां 5 सीट, पश्चिम बंगाल में 3 सीट, अंडमान निकोबार में 1 सीट, जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, लक्षद्वीप में भी 1 सीट, जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट, वहीं अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अरुणाचल में 2, असम में 5, बिहार में 4, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। हार्ट ऑफ इंडिया एमपी, जहां की 6 सीटें और उसमें भी सबसे हॉट सीट है जिस पर नजर है, महाराष्ट्र चले जाइए तो 5 सीटों पर, मणिपुर चले जाइए 2 सीटों पर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जहां पर मेघालय में 2, मिजोरम में 1 और उसके बाद नागालैंड में भी 1, राजस्थान में 12 सीटों पर इलेक्शन पड़ रहे हैं, यानी वोट कास्ट किया जा रहा है, सिक्किम चले जाइए तो 1 सीट और तमिलनाडु चले जाइए तो आप देखिए 39 सीटों पर, सबसे ज्यादा सीटों पर यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो सब पर हमारी नजर बनी हुई है, वहां पर क्या कुछ वोट परसेंट निकल कर आ रहा है, जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, अलग अलग जगहों का जो आंकड़ा है आप तक पहुंचा रहे, देखिए अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अब ये आ गई है वो स्लाइड जिसमें हम आपको बता रहे हैं एमपी की अलग अलग सीटों पर कहां कहां चुनाव हो रहे हैं। मंडला हॉट सीट है फग्गन सिंह कुलस्ते, छिंदवाड़ा हॉट सीट है नकुलनाथ, कमलनाथ के सुपुत्र, सीधी ये भी बहुत दिलचस्प सीट है, शेड्यूल की हम बात कर लें, ये तमाम 6 सीटें हैं जिन पर नजर बनी हुई है और जिन पर आपकी भी नजर है, अगर आप एमपी के रहवासी हैं तो ध्यान दीजिए, आपके आसपास अगर चुनाव है, आप जिस जगह पर रहते हैं, मतदान केंद्र है पास में, तो जरूर जाइए अपने उम्मीदवार को चुनिए। छिंदवाड़ा के साथ साथ एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर लेते हैं। देखिए, स्टेट एमपी से सटा हुआ है लेकिन इस फेज में 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, वजह है क्षेत्र, यहाँ का जो है क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, एशिया में सबसे बड़ा शहर इसको कह सकते हैं आप, क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा शहर बस्तर, जहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि नक्सलाइट एरिया है, और आज भी यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है बीजापुर सीट के जो बूथ है, मतदान केंद्र उसके 500 मीटर की दूरी पर ही, लेकिन उसके बावजूद भी जनता अपना वोट कास्ट करके नक्सल को नो कह रही है और विकास को यस कह रही है। आगे बढ़ते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तमाम वो 8 सीटें जिन पर नजर है, तो सहारनपुर चले जाइए, किराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये वो सीटें जहां पर चुनाव हो रहे हैं, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, पीलीभीत भी काफी इंटरेस्टिंग सीट है जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, वहीं सहारनपुर चले जाइए, सहारनपुर में चुनाव है, किराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये वो सीटें हैं जिन पर, 8 सीटों पर जिन पर वोट कास्ट किया जा रहा है, लगातार आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें, 80 सीटें इस राज्य से आती हैं, और पहले चरण में यहाँ की 8 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से तेज होंगी, और यहाँ की पॉलिटिक्स पर भी सबकी नजर होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग होती है बाकी राज्यों से, यहाँ पर बीएसपी है, यहाँ पर जयंत चौधरी की पार्टी है, जाट वोटर्स पर नजर होती है, राजपूतों पर नजर होती है कि किसकी तरफ जाएंगे, और अब इस बार तो मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि पीडीए अखिलेश का इंडिया अलायंस तो है ही, जिसमें कांग्रेस और तमाम दल भी मौजूद है, और इधर एनडीए अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन इधर आ जाइए साथ में तो अब हम पीडीएम की भी बात करेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में पीडीएम भी, हालांकि इस सीट पर तमाम 8 सीटों पर पीडीएम का कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन यहां पर पीडीएम फैक्टर भी बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट स्टेट की बात कर लेते हैं, अगला राज्य क्या होने वाला है, अगला राज्य होने वाला है उत्तराखंड, उत्तराखंड की टिहरी पर, अल्मोड़ा पर भी चुनाव है, नैनीताल, हरिद्वार, ये ऐसा स्टेट है जहां पर 5 सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होकर एंड हो जाएगा, तो टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा
और उसके साथ नैनीताल और हरिद्वार। हरिद्वार ये देव भूमि है, ये देवों की भूमि है, जहां आप तीर्थ के लिए जाते हैं, जहां हाल ही में एक बहुत ही घटना बड़ी हुई थी जिसके बाद आप काफी जगहों पर इस राज्य की चर्चा थी, लेकिन ये राज्य देव भूमि कहलाता है। यहाँ पर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां आप पहुंचते हैं, तो जब भी हम इस उत्तराखंड की बात करते हैं तो देवों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तीर्थ करने के लिए लोग पहुंचते हैं। चलिए, तो टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के साथ साथ अब आगे बढ़ जाते हैं तो एक और दिलचस्प आंकड़ा देख लीजिए, और ये दिलचस्प आंकड़ा है मतदाताओं का, यानी आपका, वोटर्स का। तो महिला मतदाता 47, देखिए बहुत जल्दी मूव हो रही है स्लाइड्स, 48,044, ये आप ट्रांसजेंडर की हम संख्या बता रहे हैं। पुरुष मतदाता 49,72,071, चलिए 72,71,000, आगे बढ़ रहे हैं। महिला मतदाताओं की देख रहे हैं आप, ट्रांसजेंडर की संख्या देख रहे हैं, कुल मतदाता इस पर नजर डालीजिए, इससे ये आंकड़ा पता चलता है कि कितनी संख्या है वोटर्स की, कितनी संख्या है उन वोटर्स की जो आपको मत करने वाले हैं, लेकिन ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के वोटर्स हैं। तो महिला मतदाता बता दिया, पुरुष मतदाता बता दिया, ट्रांसजेंडर की संख्या आपको बता दी, और अब ये जानना जरूरी हो जाता है अगली स्लाइड्स के माध्यम से कि अब जो अगली स्लाइड है वो उसके हम उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन में तमाम पूरे देश की बात होती है और आप वो वोटर्स हैं जो देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, तो ये वोटर्स की संख्या आ गई। अब इसके बाद आगे हम क्या दिखाने जा रहे हैं आपको, देखिए, तो वोटर्स की संख्या के साथ साथ आपको ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि मुद्दे क्या रहे इस चुनाव में, कौन से वो मुद्दे थे जो हाईलाइटेड थे, कौन सी वो बातें थी जिसको जनता ने सुना, राजनेताओं ने कहा, तो उनमें मुद्दे जब अगर हम बात करते हैं तो वोटर्स, कई सारे वोटर्स को लुभाए मुद्दे राम मंदिर का, कई सारे वोटर्स को लुभाए मुद्दे जिस पर विकास की बात हो, विपक्ष ने कहा कि विकास की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, लेकिन बीजेपी ने कहा कि अगर अकाउंट्स खुले हैं, ईपीएफ अकाउंट्स खुले हैं तो रोजगार लोगों को मिला है, अगर लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है तो लोगों के पास लाइबिलिटीज जा रही है, कैश जा रहा है, अगर लोग खरीद पा रहे हैं तो वो खरीदने के लिए सक्षम है तभी खरीद पा रहे हैं। तो कई सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोपों के बीच डीजल, पेट्रोल, गैस, रसोई की भी बात होती रही, लेकिन उस पे सब मुद्दों पर हावी राम मंदिर का मुद्दा पड़ता हुआ दिखा। पूरा जोर आजमाइश हुई है, पूरा जोर लगाया है तमाम दलों ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, और उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो एजेंडा था खासतौर पर ये कि बड़े जो गढ़ हैं, वो गढ़ जो पारंपरिक गढ़ हैं विपक्षी दलों के, उनको अटैक किया जाए। दक्षिण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब जोर लगाया, दक्षिण में जोर लगाने का मतलब ये था कि पिछली बार जो परफॉर्मेंस दक्षिण में नहीं हो पाई वो इस बार किया जाए, लेकिन इस बार कई जगहों पर दक्षिण में भी आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन उतना ज्यादा था कि नहीं था, वो दक्षिण के जब रिजल्ट आएंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएंगे, मतदान का प्रतिशत आएगा, उससे और भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। बरहाल, वोटर्स की संख्या हम आपको बता रहे थे, देखिए महिला वोटर्स जिसमें 2,73,87,122 ये महिला वोटर्स हैं, वेमेन एम्पावरमेंट, आधी आबादी। और इसके बाद हम आ जाते हैं पुरुष वोटर्स पर, तो पुरुष वोटर्स 2,89,91,705, तो ये वो वोटर्स हैं जो मेल हैं, पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अब हम महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और हम भी वोट करने जाते हैं और हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनते हैं, तो ये वो पुरुष और महिला मतदाता हैं। इसके बाद ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हमने आपको दिखाए थे, आप देखिए ये पुरुष मतदाता, कुल मतदाताओं की संख्या आ जाती है लोकसभा, ये छत्तीसगढ़ वाइज, स्टेट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं, जरा सा गौर कर लीजिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के ये वोटर्स हैं जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,03,32,115 है, कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर कितनी है 2,05,13,252, ये कुल संख्या है। वापस आ जाइए, तो हम देश की बात कर रहे थे, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ राज्यों की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर मतदाता है यहाँ पे 732, ट्रांसजेंडर मतदाता, इनको भी अधिकार है आपको चुनने का, यानी जनप्रतिनिधियों को चुनने का, सरकार को चुनने का। छत्तीसगढ़ में पुरुष मतदाताओं की संख्या क्या है 1,01,80,405, तो ये हैं मेल वोटर्स जो अपनी सरकार को चुनेंगे। पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या आपको बता दी, लगभग आगे पीछे ही है, ना महिलाएं यहाँ पर ज्यादा है ना पुरुष बहुत ज्यादा है। चलिए, अगले स्टेट की तरफ हम रुख कर लेते हैं, तो अगले स्टेट यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, वैसे तो आबादी के मामले में हम चाइना को भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन स्टेट वाइज देखिए सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, 8.14 करोड़ यहाँ पे पुरुष मतदाता है, ओवरऑल आप यहाँ की आबादी 15.29 करोड़ जो आबादी है, ओवरऑल आबादी यहाँ की, वोटर्स यहाँ के हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, तो हम वेमेन वोटर्स यानी महिला वोटर्स की हम बात कर लेते हैं, तो 7.15 करोड़ यहाँ पर महिला वोटर्स हैं। ये भी जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई सारे मुद्दे जो हैं महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, और महिलाओं के इर्द गिर्द मुद्दों का आना यानी महिलाओं को साधने की बात, आधी आबादी को साधने की बात, और ये ध्यान रखिए कि बगैर आधी आबादी को साधे ये राजनेता आगे बढ़ नहीं सकते।
आगे बता देते हैं तो ट्रांसजेंडर इनकी भी संख्या यहाँ पर ज्यादा है, 7,705। ये उत्तर प्रदेश का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, जहां पर हमने आपको बताया महिला वोटर्स, हमने आपको बताया पुरुष वोटर्स, हमने आपको बताया ओवरऑल, ये चले गए स्लाइड आपने देखा जो मतदाता उत्तर प्रदेश के 15.29 करोड़, ये हैं यहाँ की आबादी, जो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। अगले स्टेट की तरफ हम बात कर लेते हैं। देखिए अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, 83,21,204 ये कुल मतदाता है। संख्या पर गौर कीजिए, ब्लैक कलर के फॉन्ट्स में आपको स्पेशली दिखा रहे हैं ताकि आपको ओवरऑल पता चले कि यहाँ की आबादी क्या है, क्योंकि इस आबादी से आप स्टेट की जानकारी लेते हैं, इस आबादी से आप ये आंकड़ा देते हैं कि किस प्रत्याशी के पक्ष में, किस पार्टी के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। आगे आ जाइए तो रेड कलर के फेस में आप देख रहे हैं ये पुरुष मतदाता है, 43,08,904 ये मेल वोटर्स हैं जो अपनी अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, चुनेंगे। आ जाएंगे महिला वोटर्स दिखा देते हैं आपको जल्दी से, तो वेमेन वोटर्स, पावर ऑफ वेमेन वोट में दिखेगा आपको कितना वोट पड़ेगा, 40,12,006 ये है महिला वोटर्स, यानी आप मैं जो महिलाएं हैं मैं देख रहे हैं, लेकिन हम उत्तराखंड के नहीं हैं तो उत्तराखंड की आबादी वहां पर जो है वो आपको बता रहे हैं ट्रांसजेंडर 297 महज। तो ये रेड कलर के बॉक्स में जो आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर की संख्या है उत्तराखंड का, ये हम आपको आंकड़ा बता रहे थे देवभूमि का। 5 सीटें हैं, 5 पर पहले ही फेज में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद आ जाइए दूसरे स्टेट की तरफ, जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। तो दूसरा स्टेट आगे चलिए, हम एमपी की तरफ आ चुके हैं, एमपी लोकसभा सीट मंडला, जहां पर आप देखिए तो मंडला क्या मतदाताओं की संख्या है यहाँ पर एमपी में वो आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं मंडला में 20,97,000 ये मंडला, और मंडला के साथ आप देखिए 20,97,51 ये मतदाता ओवरऑल है, ये मंडला का पूरा वोटर है। अब आ जाइए तो आपको महिला पुरुष की संख्या भी बता देते हैं, एमपी फर्स्ट फेज वोटर्स की संख्या 6 सीटें और 6 सीटों पर मतदाताओं की संख्या इस स्लाइड में आपको बता रहे हैं, तो कुल मतदाता यहाँ पर हो गए मंडला के। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगली सीट पर हम चले जाते हैं, तो सीधी की बात हम कर लें तो 20,21,392 जो वोटर्स हैं यहाँ के कुल मतदाता हैं, और इसी के साथ सीधी के साथ अगली सीट की तरफ हम रुक कर लेते हैं। अगली सीट हमारी टीम हमें क्या दिखा रही है आपके सामने, जबलपुर, देखिए महाकौशल की ये सीट है, विंध्य की 2 सीटें, बाकी ये 4 सीटें महाकौशल की हैं, तो महाकौशल की ये सीट है जहां पर 18,83,411 जो मतदाता है कुल मतदाता यहाँ के आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा हम आगे बढ़ जाते हैं तो जबलपुर के बाद हमारी जो टीम है आपको कौन सी सीट दिखा रही है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए ये है बालाघाट, बालाघाट के साथ साथ जो वोटर्स की संख्या है वो है 18,71,270, तो ये कुल वोटर्स हो गए जो मतदाता हैं बालाघाट सीट पर। आगे आ जाइए तो एमपी की अगली सीट क्या बता रही है, एमपी की अगली सीट की तरफ, यह है शेड्यूल, शेड्यूल की जनता कितनी है, कितने लोगों को वोट करेंगे ये नहीं पता, ये आपको 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कितने वोटर्स हैं ये आप देख लीजिए, तो 17,72,000 के करीब ये संख्या है, 929 ये हो गए आपके शेड्यूल का जो मतदाता का आंकड़ा है, मतदाता की संख्या है ये, क्योंकि अभी अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं, तो अभी इस चरण में जो सीटें हैं एमपी की 6 सीटें हैं, तो शेड्यूल का हमने आपको बता दिया। आगे बढ़िए, आगे दिखा दीजिए कौन सी स्लाइड हमारी टीम आपको दिखाने जा रही है, तो ये छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा हॉट सीट जिस पर है सबकी नजर, और इस सीट के साथ साथ ये भी तय कि जिन जिन लोगों के साथ दाव पर है, जिसमें सबसे ज्यादा कमलनाथ की साख सीट पर दाव पर है। वोटर्स की संख्या जल्दी से आपको बता देती हूँ, तो ये है 16,28,701 ये है वोटर्स की संख्या, जहां पर आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा और मतदाताओं की संख्या, ये आपको बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब ये वोटर्स अलग अलग तरफ जाएंगे तो किसे वोट करेंगे ये आपको दिखाएंगे। अब मूव कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर, छत्तीसगढ़ की महज एक ही सीट पर इस फेज में चुनाव है, तो बस्तर में देखिए बस्तर बड़ा राज्य है जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर जो संख्या है वोटर्स की 14,59,000 क्या करीब 14,59,977 ये है वहां के मतदाताओं की संख्या, तो ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपको बता दिया। ये जरूरी हो जाता है कि जिस जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां के बारे में आपको जानकारी हो, और ये जागरूक मतदाता वही होता है जो अपने राज्य के बारे में पूरी जानकारी रखता है, तो इसलिए कई जगहों पर आप पढ़ भी रहे होंगे, बहुत आसान है मोबाइल गूगल पर सर्च कर लेना, लेकिन ऑथेंटिक चीजें आपको पता हो ये जरूरी है। आगे बढ़ जाइए, यूके यानी उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं, टिहरी लोकसभा सीट, वोटर्स की संख्या कितनी यहाँ पे 15 लाख से ज्यादा, 15,74,144 जो संख्या है यहाँ पर उत्तराखंड के वोटर्स की है टिहरी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा जोर कांग्रेस ने नहीं लगाया, ये कहा जाता है जिन जिन का इंतजार था, खड़गे का इंतजार था, सुक्कू साहब का इंतजार था, ये पहुंचे ही नहीं वहां पर। टिहरी के बाद अगली सीट दिखा दीजिए जल्दी से,
पौड़ी, पौड़ी सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ 5 ही सीट है और कांग्रेस को यहाँ से उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ज्यादा उत्तराखंड में अपना जोर नहीं लगाया। और पौड़ी लोकसभा सीट की मैं बात करूँ तो पौड़ी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तमाम जो सीटें हैं उनके साथ पौड़ी पर नजर डालिए तो यहाँ से भी पॉलिटिकल जो खबरें हैं वो आती हैं और काफी हद तक उनको आप मेजर कर सकते हैं कि तापमान सियासत का क्या है। पौड़ी के वोटर्स कितने हैं? 13,66,983 ये ओवरऑल मतदाता हैं पौड़ी के। इसमें आप इंक्लूड करिए ट्रांसजेंडर को भी, महिला वोटर्स को भी, पुरुष वोटर्स को भी। आइए आगे बढ़ते हैं तो हम अगली सीट को देख लेते हैं। पौड़ी के बाद हमारी टीम कौन सी सीट आपको दिखा रही है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जहाँ पर मतदाताओं की संख्या कितनी है? 13,37,648 माफ कीजिए, तो 13,37,648 13,37,648 ये ओवरऑल वोटर्स हैं जो अल्मोड़ा सीट से आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिसमें महिला है, पुरुष है, युवा ताकत इस बार ज्यादा मायने रखती है किसको वोट करेंगे। और कास्ट फैक्टर तो हर स्टेट में आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर मुद्दा तो हर स्टेट में छाया ही हुआ है, उत्तराखंड में ज्यादा प्रभाव रखता है। उत्तराखंड में पूरी कैबिनेट को ही राम मंदिर दर्शन कराने के लिए मुख्यमंत्री धामी ले गए थे। आगे देखते हैं आगे कौन सी सीट आपको हमारी टीम दिखा रही है, तो नैनीताल की हम बात कर लेते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर, अजय भट्ट, प्रकाश जोशी यहां से उम्मीदवार। और यहां पर नैनीताल में कैंडिडेट्स के साथ साथ आपको वोटर की हम संख्या बता दें तो वोटर्स हैं यहाँ पर 20,10,800, ये संख्या आपको वोटर्स की बता रहे हैं। देखिए ये जरूरी है क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं सीटें कम हैं लेकिन आबादी के लिहाज से जब हम आंकड़ा देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनके पास वोट परसेंट कितना जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं तो हरिद्वार सीट आ जाती है। हरिद्वार जहाँ से आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत काफ़ी हॉट सीट है और वीरेंद्र रावत यहाँ से मैदान में है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो खबरें आई, जो आर्टिकल्स लिखे गए उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जिनकी जिम्मेदारी थी जो पहुँचते उत्तराखंड में प्रचार प्रसार में जुटते और वहाँ पर ये कई बड़े नेता अपने बैरक से ही बाहर नहीं निकले। खैर हरिद्वार की मैं बात कर रही हूँ, 20,31,662 ये है मतदाताओं की संख्या, वोटर्स की संख्या जो आज हरिद्वार में उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। अभी भी घरों से नहीं निकले हैं हरिद्वार की जनता, निकलिए वोट कास्ट कीजिए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए, अपनी पसंद की सरकार चुनिए, अपने पसंद का सांसद चुनिए। आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम किस राज्य में कितनी सीटें हैं, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, महाराष्ट्र यहाँ पर 48 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है लेकिन ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं, ये फेज वाइज नहीं है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें जिन पर वोट कास्ट हो रहा है, आंध्र प्रदेश की 42 सीटें हैं जहाँ पर वोट आज नहीं कास्ट हो रहा है, ये ओवरऑल हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, ये ओवरऑल लोकसभा की तैयारी है हमारी जो हम आपको बता रहे हैं। बिहार 40 सीट्स यहाँ पर बिहार में आती हैं, तमिलनाडु 39 सीट आती हैं। कितनी सीटें हैं किस राज्य में, देखिए मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं जिसमें से एक छिंदवाड़ा कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, बाकी 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। गुजरात की 26 सीटें हैं, ये लोकसभा का पूरा आंकड़ा दे रही हूँ मैं आपको, लोकसभा का पूरा आंकड़ा यानी कितनी सीटें किस राज्य में है। ये फर्स्ट फेज में कहाँ कितने जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वो नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल क्लियर रहिएगा। केरल की 20 सीटें हैं लोकसभा में, केरल अपनी हिस्सेदारी 20 सीटों पर रखता है। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर अरुणाचल प्रदेश अपनी हिस्सेदारी रखता है। आगे बढ़ जाइए तो असम है जहां पर 14 सीटों पर असम अपनी हिस्सेदारी लोकसभा में रखता है, लेकिन किसके खाते में इस बार कितनी जाने वाली है 4 जून को पता चलेगा। छत्तीसगढ़ 11 सीट्स पर क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी कर रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी कर रही है। एमपी की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। ऐसे ही गोवा की बात कर लें तो गोवा जहाँ पर बीजेपी दमदार दिखाई दे रही है लेकिन 2 ही सीट है यहाँ पर, और गोवा से कितने सांसद बीजेपी अपने बनाकर भेजती है 1 या 2, नज़र 4 जून को। हरियाणा यहाँ पर 10 है, कितनी सीटों पर बीजेपी या कितनी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार बनाकर भेजती है। हरियाणा में जाट मुद्दा बहुत गर्म है क्योंकि जब ब्रिजेंद्र साहब जो थे उनके ऊपर काफ़ी महिला पहलवानों ने, ब्रिजभूषण शरण जिन पर महिला पहलवानों ने खूब आरोप लगाए थे, हरियाणा की वो पहलवान महिलाएं थी। खैर 10 सीटें, आगे बढ़ जाइए, कौन सी स्लाइड दिखा रहे आगे देखिए तो ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 नंबर्स ओनली। और उसके बाद हम देखें तो जम्मू कश्मीर 6 नंबर्स ओनली, यहाँ पर 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की जिन पर हम चुनाव की बात कर रहे हैं। झारखंड देख लीजिए, झारखंड में सिर्फ 4 सीटें ही हैं, और इसके अलावा कर्नाटक देख लीजिए तो 26 सीटें कर्नाटक में हैं। आगे देख लेते हैं हम, आगे हमारी टीम आपको कौन सी स्लाइड दिखा रही है जिसमें कौन से स्टेट की हम बात करेंगे। मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर काफ़ी गर्मा गर्म राज्य है ये, क्योंकि इसलिए यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से। मेघालय की बात कर लें, मेघालय जहाँ पर सिर्फ 2 सीटें हैं, और इसी के साथ अलग अलग स्टेट के साथ मेघालय के साथ अगली स्लाइड में हम आपको दिखा देते हैं तो मिज़ोरम पड़ता है। मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर काफ़ी कम सीटें हैं, लेकिन मैटर तो ये भी रखते हैं। नागालैंड जहाँ पर एक ही सीट है, लोकसभा में एक सीट की हिस्सेदारी नागालैंड अपनी रखता है, और उड़ीसा जहाँ पर भी 21 सीटें हैं। ठीक है, जहाँ पर कम सीटें होती हैं ना, वहाँ वोटर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, उनको पता है या तो इसे चुना है तो उसे चुना है, लेकिन अलग अलग सीटें होती हैं तो वहाँ अलग अलग वोटर को अपनी सीट की जानकारी रखना है, लेकिन वो जागरूक वोटर है तो अपने राज्य की और भी सीटों की जानकारी रखेगा। पंजाब 13 नंबर्स ओनली, 13 संख्या है यहाँ पर, जो लोकसभा में 13 संख्या की हिस्सेदारी रखने वाला राज्य है। आगे बढ़ जाते हैं तो सिक्किम है, सिक्किम स्टेट छोटा है और इसलिए एक ही सीट है इनके पास। देखिए, जब लोकसभा का परिसीमन होता है तो राज्यों के हिसाब से भी हम देखते हैं। त्रिपुरा 2 सीटें, आगे बढ़ जाइए, जल्दी से दिखा दीजिए त्रिपुरा के बाद कौन सी स्लाइड है। उत्तराखंड 5 सीटें, पहले फेज में 5 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, और इसी के साथ निकोबार, अंडमान निकोबार की सीट 1 सीट है जिस पर चुनाव हो जाएगा, आज संपन्न हो जाएगा। चंडीगढ़ की 1 सीट है और जहाँ पर चुनाव होना है, लोकसभा में अलग अलग हिस्सेदार रखे दादर नागर हवेली के प्रोनाउंस किया जाता है। दमन दीव 1 सीट है यहाँ पर। तो देखिए, अलग अलग राज्य, अलग अलग सीटें जो आपको जानकारी दे रहे थे, और इसलिए देश का मूड, देश का मिजाज क्या है, ये आपको बताने की कोशिश हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हम बता ही रहे हैं। डिस्कशन चलेगा, डिबेट्स होंगी, वोटर्स क्या कह रहे हैं ये आपको बताने की कोशिश होगी, ये आपको बताने की कोशिश होगी कि देश का मिजाज क्या है। तो आज इस मेगा कवरेज के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ राज्यों की स्थिति है, कहाँ कितनी सीटें हैं, कितने वोटर्स हैं, कौन वो मतदाता है जो अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं अपने राज्य में, उनके वोटर्स के मुद्दे क्या है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, चर्चाएं हो रही हैं जिनमें हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जिन मुद्दों पर बात करना चाहती है, जो परेशानियां अपने गवर्नमेंट के सामने रख रही है, उस पर उस गवर्नमेंट ने काम किया तो ठीक, वो इसे चुनेंगी या किसी और को चुनेंगी। यानी कुल मिलाकर वोटर का मिजाज आज जो होगा वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। जनता है आज भाग्य विधाता, ये मतदाता आज तय करेगा उन उम्मीदवारों की किस्मत, उन उम्मीदवारों का भाग्य जो चुनावी मैदान में, इस रणभूमि में है, लेकिन इस रणभूमि का असली मास्टर है वो मतदाता। सत्ता के सिंहासन पर किसे बिठाएगा, किसे बाहर का रास्ता दिखाएगा, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल अलग अलग फेज की तैयारी हमारी अलग अलग है, और इस फेज में भी हमने अपनी तैयारी के साथ आपको हर जानकारी दी, और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हो, आगे आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस मेगा कवरेज में बहुत कुछ बाकी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।